सन 2002 से आपकी सेवा में श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, कुशल कारीगरी एवं शुद्धता की गारंटी के साथ। पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। जिनके पास संवैधानिक ताकत है, जिनके पास इस वक्त पुलिस फोर्स है, जिनके पास नियम धर्म और संविधान को चलाने की जिम्मेदारी है, ऐसे जिला प्रशासन के लोग यानी कलेक्टर और पुलिस ऐसी हरकत न करें कि फिर बहुत मुश्किल हो जाए। मैं ब्रह्मदत्त दुबे हूँ और आप सागर एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं। हम प्रधानमंत्री जी से कहेंगे कि पूरे देश के कलेक्टरों को जरा समझा लें। जब बंगाल में चुनाव हो रहे थे तो कहाँ थे वो कलेक्टर, कहाँ था आपका जिला प्रशासन? आज अगर आवाम थोड़ी सी भी गलती कर लेती है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी या सरकारों के पक्ष की नहीं है जनता, तो फिर उनकी तोहिन की जाती है, उन पर मामले दर्ज किए जाते हैं। हिंदुस्तान में एक तस्वीर आज जमकर वायरल हो रही है, हम उस तस्वीर की और उस कलेक्टर की जमकर मजम्मत करते हैं कि नाइट कर्फ्यू में वो गुंडागर्दी पर, रंगदारी पर उतर आया। तो देखिए इस तस्वीर को और जनता फैसला करे कि आज तो जनता ने पीठ अपनी पक्की कर ली है, मारो लाठी जितनी मारना हो, आने वाले दिनों में अपनी पीठ पक्की करके रखना, क्योंकि जनता अब एक एक चीज का आने वाले दिनों में हिसाब करेगी, क्योंकि ये जनता की अदालत है। किसी को माफी मिलेगी तो किसी को मुकम्मल सजा मिलेगी। देगी खास रिपोर्ट को सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। जब बंगाल के चुनाव हो रहे थे तो इस देश के कलेक्टर कहाँ थे, कहाँ था चुनाव आयोग, कहाँ थे नियम कायदे, कहाँ था कानून, कहाँ थी भारत सरकार की गाइडलाइन? आज सारे नियम कायदे, भारत सरकार की गाइडलाइन अचानक से जिंदा हो गई। कुछ कलेक्टरों को पावर क्या मिली, वो तो गुंडागर्दी और रंगदारी पर उतर आए। देश में इस वक्त एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जहां हमें तो कलेक्टर किसी रंगदार गैंग का मुखिया लग रहा है। यह तस्वीर देखे कैसे एक कलेक्टर साहब एक मैरिज गार्डन पहुंच गए। यहाँ 10 बजे से नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया था। 10 बजे के पहले आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही 10 बजे यहाँ कोरोना आ जाता है और लोगों को मारने लगता है। दिन के वक्त कोरोना और उसका बाप सरकार की तिजोरियों में कैद होता है। इन कलेक्टर साहब शैलेश कुमार को देखें, कैसे लोगों को मार रहे हैं और कैसे सभी लोगों सहित दूल्हा दुल्हन पर मामला दर्ज कर रहे हैं, साथ ही पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड करने की बात भी कह रहे हैं। यह घटना देश के पश्चिम त्रिपुरा को लेकर जुड़ी है, जहां 10 बजे के बाद डीएम साहब एक शादी हाल में पहुंच गए। इन लोगों के पास शादी की परमिशन थी, उसे कलेक्टर साहब ने फाड़ दिया और फिर मारपीट पर उतारू हो गए। बहुत गुस्सा आता है कुछ कलेक्टरों को। चलो बाहर निकलो, सभी लोग बाहर निकलो, मैं बाजा बाहर। पुलिस कहाँ है? पहले बाहर निकलिए, आउट। चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलिए। अब वो समझ नहीं आता है कानून नामी कोई चीज है यहाँ पे, बाहर निकलिए। संविधान के दायरे में रहकर काम करना होगा। इंसानी जिंदगी और इस आफत के दौर में अपने पावर का नाजायज इस्तेमाल न करो। देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहेंगे
कि देश के सभी जिलों को यह हुक्म जारी करो कि सख्ती बरते लेकिन इतने भी पावर का नाजायज इस्तेमाल न करें। नाम बोलिए। मास्क नहीं है, 10 बजे के बाद कर्फ्यू है यहाँ। किसने परमिशन दिया आपको? नहीं सर, अरेस्ट करिए सभी लोगों को, अभी लेके जाइए। हम लोग पहने हुए हैं सर। अरे मास्क के लिए नहीं बोल रहे हम, इनको अरेस्ट करिए। परमिशन इज टिल 10 PM। अरे सेम ऑल्सो, अरे सेम ऑल्सो, अरे दिस रेडी ऑल्सो। दिस ऑल नॉनसेंस, ओके, दिस ऑल नॉनसेंस यू आर टॉकिंग अबाउट। अरे दिस गाइस ऑल्सो। किन की वजह से आपकी कुर्सी और राज सिंहासन खतरे में आ जाए? पहले बंगाल की रैलियों का जवाब दे सरकार। सरकार और विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं पर बंगाल चुनाव में सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाने का मामला दर्ज हो, फिर खूब लाठियां चलाना, लोगों को मारना। इस देश की जनता को बुरा नहीं लगेगा। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो खबरदार, किसी के आंसू गिराने का किसी को कोई हक नहीं, मारने का तो कतई हक नहीं। अरे मजाक बना रखा है भारत सरकार की गाइडलाइन को? क्या इस देश की भोली भाली जनता चीन से कोरोना वायरस लाई थी? इलाज तो जनता को दे नहीं पा रहे, ऊपर से कुछ कलेक्टरों को गुंडागर्दी का लाइसेंस दे दिया। धिक्कार है सरकार तुम्हें और तुम्हारे सिस्टम पर। पहले ऑक्सीजन की पूर्ति करो, रेमडेसिविर इंजेक्शन की पूर्ति करो, ऑक्सीजन की पूर्ति करो, हॉस्पिटलों में बेड की पूर्ति करो, लोगों को इलाज दो, बेमौत मरने ना दो। उसके बाद भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करने के लिए लोगों पर लाठी भाजना लोगों को बुरा नहीं लगेगा, लेकिन ऐसे नाजुक वक्त में कलेक्टरों की ये पावर जनता को दुखी कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री पर आने वाले दिन भारी भी पड़ सकते हैं। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते हैं तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।